हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वी एनर्जेटिक। सो टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ए गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन and the total thermal energy of the system, internal energy, exists in the form of kinetic energy of its molecules. yani kinetic theory of gases ke according koi bhi gas jab kisi container mein filled hoti hai to wo continuous random motion karti hai. yani gas ke jo molecules hain wo continuous random motion karte hain. उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल होती है, और उस समय उस गैस की जो टोटल थर्मल एनर्जी है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है. द मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी is a function of temperature and it increases with increase in temperature. किसी भी gases के molecules की जो mean kinetic energy है वो उस gas के temperature पर depend होती है, temperature के function पर depend करती है. अगर किसी gas का temperature increase किया जाए तो उसके molecules की mean kinetic energy increase हो जाती है. The path of a molecules between two successive collisions in a straight line and non-accelerated, which is called as free path. जब कोई molecules move करता है तो वो एक straight path पर move करता है. जब तक किसी भी molecules की collision नहीं होती है किसी other molecules के या container की wall से, जब तक कॉलिजन नहीं होती है तब तक वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, और उस पाथ को हम फ्री पाथ कहेंगे. द वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस इज नॉट कंसिस्ट एंड इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज फिल्ड. सबसे पहले जो कॉलिजन से पहले पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है उसे हम फ्री पाथ कहेंगे, और वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन करता है. उस समय उस पर किसी तरीके का कोई एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है. जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी कोई उसका वॉल्यूम नहीं होता है. वो गैस जिस वेसल में जिस कंटेनर में फिल की जाती है वो मॉलिक्यूल्स उसी का वॉल्यूम ले लेता है. यानी गैसेस का मॉलिक्यूल्स गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है जिस कंटेनर में वो गैस फिल्ड होती है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन द मोशन इन होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड ड्यूरिंग देयर मोशन कॉलिजन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल. यानी कोई भी गैस का वॉल्यूम उसके कंटेनर के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है, और उस गैसेस के मॉलिक्यूल्स होल वॉल्यूम में रैंडम मोशन करते रहते हैं. गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि गैस में कंटेनर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वन थर्ड मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस में, वन थर्ड मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस में, और वन थर्ड मॉलिक्यूल्स जेड एक्सिस में मूव करते हैं. वैसे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो ईच पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, और उनका जो कॉलिजन है वो आपस में भी कॉलिजन करते हैं, और कंटेनर की दीवार से भी मोशन करते हैं, कॉलिजन करते हैं. तो जैसे सपोज कीजिए कि गैस का कोई मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट पाथ में मूव किया, आफ्टर कॉलिजन
उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत सारे वेरिएबल है, चेंज हो गया। अब इसके बाद फिर कॉलिजन हुई तो वो दूसरे डायरेक्शन में और अलग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ये मूव कर रहा है, यानी ईच कॉलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल हैं, और इनका कॉलिजन जो है वो आपस में भी होता है और कंटेनर की दीवार से भी कॉलिजन पॉसिबल है। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज कैलकुलेटेड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेसल ड्यू टू कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड आउट करें जब वो किसी कंटेनर में फिल्ड होती है, तो हम जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द वेसल यानी उस कंटेनर में जो फोर्स वर्क करता है ड्यू टू कॉलिजन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पॉस्टुलेट्स हैं, यानी इनकी क्या प्रॉपर्टी हैं, किन प्रॉपर्टी को ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। तो नंबर वन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर पॉइंट मास, देयर साइज इज नेग्लिजिबल स्मॉल। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास बहुत पॉइंट मास होता है, आइसोलेटेड पार्टिकल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनके साइज को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल्स को हमारी आंख प्रॉपरली देख नहीं सकती, इतने छोटे होते हैं। नंबर टू, द मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। जैसे हमने बताया कि कंटेनर में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम में रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन करते समय उनकी जो वेलोसिटी है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल होती है। वो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर ईच पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। वैसे जैसे हमने बताया कि मैथमेटिकली इनकी डायरेक्शन एक्स वाई और जेड कंसीडर होती है, यानी ये 3D मोशन करते हैं, 3D मोशन करते हैं। नंबर थ्री, देयर आर नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एज वेल एज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एंड द कंटेनर। यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क नहीं करता है, लेकिन ये चीज आइडियल गैस में पॉसिबल है। अगर हमारी गैस आइडियल हो तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन अब्सेंट होगा, लेकिन नॉर्मली गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत माइनरी वर्क करता है। नंबर फोर, द कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक so that the energy of the gas is wholly kinetic। यानी जब कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ईच पॉसिबल डायरेक्शन में, तो उनमें आपस में या कंटेनर की वॉल से जो कॉलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होती है। जैसा मैंने बताया था कि जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उसमें बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहां पर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। नेक्स्ट है फाइव नंबर, द टाइम स्पेंड इन ए कॉलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टाइम ट्रेवर्स टू द फ्री पाथ। यानी जो मॉलिक्यूल्स फ्री पाथ पर मूव करता है उसके कंपैरिजन जो कॉलिजन का टाइम है वो बहुत ही माइनर होता है, यानी कॉलिजन बहुत ही क्षणिक टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम में हो जाती है, जबकि उसके कंपैरिजन मॉलिक्यूल्स का फ्री पाथ पर ट्रेवलिंग का जो टाइम है वो कॉलिजन के टाइम के कंपैरिजन काफी हायर होता है। नंबर सिक्स, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ कॉल्ड फ्री पाथ।
जैसा हमने बताया कि दो कॉलिजन के बीच का जो पाथ होता है मॉलिक्यूल्स का, वो एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसे हम फ्री पाथ कहते हैं। द मीन ऑफ ऑल सच फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, यानी सभी फ्री पाथ का जो मीन होगा वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 7, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कंटिन्यूसली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी गैस जिस कंटेनर में फिल्ड होती है उस कंटेनर की दीवार से और ईच पार्टिकल से कॉलिजन करती है और वो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है। एट ईच कॉलिजन देयर वेलोसिटीज आर अल्टर्ड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जब कॉलिजन होती है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बोथ आर चेंजेबल हैं। एट द मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ द गैस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, thus there is no concentration of or deficiency in any part of the volume. Some numerical related to kinetic theory of gases. Question number 1, calculate the root mean square speed of helium gas molecules at NTP, यानी NTP पोजीशन पर हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स की हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है VRMS इज इक्वल टू रूट 3 कैपिटल RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यहां पर R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और M जो है मास ऑफ द गैस। अब यहां पर हमें जो R है वो गैस कांस्टेंट है 8.3 जूल पर ग्राम मोल केल्विन, जूल पर ग्राम मोल केल्विन, यानी हमारी जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 8.3 जूल पर ग्राम मोल केल्विन। टी जो है वो एन टी पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो जब केल्विन में हम कैलकुलेट करते हैं तो 273 इसमें ऐड हो जाता है, तो 0 + 273 इट मींस 273 केल्विन। अब बात आती है मास की, तो जो हीलियम है तो हीलियम मींस है 2He4, तो इसका जो मास होगा वो 4 ग्राम। अब इसको हम जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻³ किलोग्राम। अब हमें यहां पर गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मास गिवन है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, VRMS इज इक्वल टू रूट 3 आर की वैल्यू 8.3 टी 273 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³। अब हमें जब हम इस वैल्यू को रूट 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एम तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग आती है 1.3 × 10³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन ए फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब, यहां पर वॉल्यूम है 10⁻³ मीटर क्यूब, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 3 × 10⁻²। इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इज, यानी ईच मॉलिक्यूल्स का मास स्मॉल m इज इक्वल टू 5.3 × 10⁻²⁶ किलोग्राम, देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। वाई यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, यहां पर रो जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम, P
पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम वी आर एम एस स्क्वायर. टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू पर मॉलिक्यूल्स मास एनी कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इनटू स्मॉल एम. सो पी इज इक्वल टू 1/3 एन एम डिवाइडेड बाई वी वी आर एम एस स्क्वायर. तो पहलू पुट की तो पी इज इक्वल टू 1/3 एन है 3 × 10^22 स्मॉल एम की वैल्यू है 5.3 × 10^-26 डिवाइडेड बाय वी जो है वो हमें 10^-3 गिवन है और इनटू वी आर एम एस तो वी आर एम एस की वैल्यू है 400. तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10^2 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गए तो P इज इक्वल टू 5.3 × 4 और इंटू 10^3 ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 25 और 5 यहाँ पर तो 27 और −26 तो यानी 10 हमारे रिमेनिंग होंगे तो 5 × 53 × 4 तो जो प्रेशर आएगा ऑफ द गैस 4 × 3 = 12 × 1 × 4 × 5 = 20 यानी 212 हमारा यहाँ पर इसका क्या है आंसर है. लेकिन यहाँ बी आर एम एस स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब यहाँ हमें इसका स्क्वायर करना होगा. तो जब हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 × 10^2 और यहाँ पर आएंगे तो उस हिसाब से जब हम इसको प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू 5.3 × 4 × 4 = 16 और 10^3 यहाँ 3 हो जाएंगे. तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस 8.48 × 10^4 और यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.